कि एक एक ही सजाई दे दे उसको, हम लोग का सामने कर दे, हम लोग ऐसी एक ही उसको भी जिंदा जलाएंगे, वही लड़का को सामने कर दे, नहीं तो वो लड़का को फांसी का सजाई मिलना चाहिए, तब ताकि दुनिया में गरीब के लड़की बचे आज तारीख से ना, वो लड़का को फांसी का सजाई नहीं मिलेगा तो दुनिया लड़की गरीब का साफ हो जाएगा। ऐसी लड़का घर घुस घुस को जला दे। हम गरीब परिवार का है, हम कुछ करके सिलिया सेंटर सीखेंगे तो माँ बाप को पालेंगे, यही सोच करके सिलिया सेंटर कर रही। वहाँ लड़का जाकर पहुँचा चार दिन पहले, बोला कि जैसे दुमका का लड़की को जिंदा जलाया ना, उससे तुमको भी जिंदा जलाएंगे। एक बजे रात में कबाड़ी का हुड़का तोड़ दिया लात से और घुस किया उसका घर। जब घुसने का बाद वो पेट्रोल डाल दिया मुँह में, भी डाल दिया पूरा भीतर चला गया मुँह में, और जा कर के आँख दोनों जल गया, एकदम पूरे जल गया, दोनों आँख खत्म हो गया। वो हमारा बेटी को जिंदा जला दिया, उसी हम लोग को सामने कर दीजिए, हम लोग जिंदा जलाएंगे नहीं तो सरकार फांसी के सजाई दे। आज नहीं करेगा तो हर माँ बहन के साथ घर घुस के ऐसे इज्जत का खिलवाड़ भी करेगा और उसको जला दिया जल मारे। इसलिए जो भी करे कोई भी कास्ट हो उसको सजा कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हमें फांसी नौकरा जाए पेट्रोल से जर रहे हैं बहुत चाहे, हाँ ये के शराम जर रहे हर की चाहूँ हमारा बचा जिरंग गेलो और कर दे। झारखंड के दुमका जिला में एक और दुखदाई घटना घटी है। अंकिता के बाद एक और युवती को निशाना बनाया गया है, पेट्रोल जला डालकर जिंदा जला दिया गया है। दुमका जिले के जामा की ये घटना है। घायल अवस्था में उस युवती को आज रांची के रिम्स लाया गया था, लेकिन यहाँ पर उसने दम तोड़ दिया है। और इस वक्त देखिए उसका पूरा परिवार यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि अब पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद शव जो है ये अपने साथ लेकर जाएंगे। ये बैठी जो ब्लू साड़ी में है वो उनकी माँ है। आप कौन? हम रिलेशन हैं। अच्छा, रिश्तेदार हैं। कैसे हो गया चाचा? लड़की को चार दिन पहले, वो गरीब परिवार का है, कस्तूरवाम पढ़ कर कर निकली है इंटर कर को लड़की है, तो वो सोची कि हम इंटर कर को निकले आगे हमारा माँ बाप नहीं पढ़ा पाएगा तो हम सिलिया सेंटर सीखेंगे। सिलिया सेंटर किसी को बात कर, सिलिया सेंटर मैंने जड़मुंडी में कर रही, लड़का पहुँच गया माही पर चार दिन पहले, ये हम लोग का रास्ता में बयान दिया, मजिस्ट्रेट के भी बयान दिया ये बात कि, तो सोची कि हम गरीब परिवार का हैं, हम कुछ करके सिलिया सेंटर सीखेंगे तो माँ बाप को पालेंगे, यही सोच करके सिलिया सेंटर कर रही। वहाँ लड़का जाकर पहुँचा चार दिन पहले, बोला कि जैसे दुमका का लड़की को जिंदा जलाया ना, उससे तुमको भी जिंदा जलाएंगे, चार दिन का भीतर में जला देंगे। लड़की किसी को नहीं बताई, बताता तब ना नहीं बताई किसी को, वो सोचा मजाक किया तो नहीं बताई। तो देखिए आज रात में, कल रात में एक बजे रात में कबाड़ी का हुड़का तोड़ दिया लात से और घुस किया उसका घर। जब घुसने का बाद वो पेट्रोल डाल दिया मुंह में, भी डाल दिया पूरा भीतर चला गया मुंह में, और जा कर के आँख दोनों जल गया, एकदम पूरे जल गया, दोनों आँख ख़त्म हो गया था, और जाके पूरा शरीर ख़त्म हो गया, पूरा चमड़ी उठ गया जा कर के। तो रास्ता में हम लोग को बताते आई, बताई कि वो लड़का हमको धमकी दिया तुमको जिंदा जलाएंगे, जैसे बोला जिंदा तुमको जलाएंगे, चार दिन का भीतर में जलाएंगे, जैसे दुमका की लड़की को जिंदा जलाया उसे तुमको जलाएंगे, जिंदा जलाएंगे, ये व्यायाम हम लोग को दिए, उसी का व्यायाम में हम लोग व्यायाम दे रहे हैं। लड़की हम लोग को, हाँ लड़की बता, लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते? लड़की लड़का मने लड़का बात कर रहा था, वो बात करने नहीं चाहता था, लड़की लड़की बोला हमारे पीछे मत लगो, हम गरीब परिवार का हैं, हम किसी से हम बातचीत नहीं करेंगे, तो वही लड़का गुस्सा से उसको पेट्रोल डाल दिया। मने लड़की बोला हम तुमसे शादी भी नहीं करेंगे, और हम लड़की शरीफ थी, लड़की किसी से बात नहीं कर रही थी, को लड़का से बात नहीं कर रही थी, और लड़की बोला कि हमसे मत बात कीजिए, हम अपना बिजनेस में उतर गए हैं, सिलिया सेंटर कर रहे हैं, सिलिया कर रहे हैं हम अपना माँ बाप को पालने के लिए, हम माँ बाप को, हम गरीब परिवार हैं, माँ बाप को पालेंगे सिलिया करके, हमारा आगे ना भी नहीं पढ़ा पाएगा, मोटिया खट को पढ़ा रहा था, माँ बाप गरीब है, मामा नानी पढ़ा रहा था,
भालकी गांव में जड़मुंडी प्रखंड का जमा प्रखंड का लड़की है। इकलौती बेटी थी? हाँ, एक ही बेटी थी। तो भाई भी नहीं था इसका? को नहीं है, एक ही बेटी थे। अब कैसे जिएगा? हम लोग का यही हम लोग का कहना है, सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं, सबू से मांग करते हैं हम लोग, मोदी सरकार से भी मांग करते हैं हम लोग सबसे, कि हमारा जैसे वो हमारा बेटी को जिंदा जला दिया उसी हम लोग को सामने कर दीजिए। हम लोग जिंदा जलाएंगे नहीं तो सरकार फांसी के सजाई दे। सरगे मने सब मिल करके हमारा सरकार, मोदी सरकार, मुख्यमंत्री सरकार, जो एमपी सरकार, विधायक, सब मिल करके सलाह मित्रा करके और उसको फांसी का सजाई चढ़ाओ, हम लोग शांति बनेंगे। नहीं तो हम लोग का और आज दिना से आज दुर्घटना हो चुका और आज दिना से गरीब परिवार का बेटी साफ हो जाएगा। ये नहीं यदि फांसी का सजाई करेगा और नहीं तो हम लोग एक के सलाह में जलाएंगे उसको, एक के सलाह में देंगे हम लोग को सामने कर दे वो लड़का को, एक के जानेंगे कि हमारा बेटी को आग लगाया तो उसको भी हम लोग आग लगा को मार देंगे। और नहीं तो सरकार का हम लोग सबू मिल करके सलाह मित्रा करके सबको हम बोलते हैं, अभी नया सरकार पुराना सरकार ये हाँ सबको बोल रहे हैं, नया सरकार पुराना सरकार, एमपी, विधायक, जितना भी है सबको मिल करके सलाह मित्र हाँ फांसी की सजाई करें किसी को नहीं। उस सबको सूट गया था गेट तो बहुत जोर से तोड़ा होगा? नहीं, वो तो काठ का किला था, काठ का थोड़ा सा किला ऐसे नहीं था, ऊपर में था ऐसे सटा दिया, ऊपर में काठ का किली था, वो इतना कटी किली कितना दम दे, मारा धक्का खुल गया, खुला तो ये लोग सुतल था, जा करके पेट्रोल डाला, पेट्रोल जैसे डाला थे एक बकाने लगा तब तक दिया माचिस फेंक करके, तब माचिस फेंका तो उस घर में अथी बिजली का प्रॉब्लम था, अथी नहीं था, लैन नहीं था, अंधेरा था, तो जा करके अथी किया, जाकर ये अपना मोबाइल से टॉर्च मारा, मोबाइल से देखा तो वही लड़का था, राजेश राउत था। आप लोग देखे टॉर्च मार के? नहीं नहीं, लड़की बताया, लड़की का बियाम में हम लोग बियाम दे रहे हैं, हम लोग देखे नहीं, नहीं हम तो दूसरे गांव का है, तो रिश्तेदार हैं हाँ, कहीं चौक चौराहा में ला के उसको आज उसके साथ सजा नहीं मिलेगा तो हर लड़की के साथ यही होगा, इसलिए बीच चौराहा में उसको भी इसी तरह पेट्रोल डाल के जला दिया जाए, ये तो हर माँ बहन को कोई इज्जत नहीं रहेगा, और कोई सरकार को भी इसमें अपना लेना है, सरकार को भी बात रखना है, सरकार को देखना है, हर लड़की को अपना सेफ रखना है, नहीं आज नहीं करेगा तो हर माँ बहन के साथ घर घुस के इसे इज्जत का खिलवाड़ भी करेगा और उसको जला दिया जल मारे, इसलिए जो भी करे कोई भी कास्ट हो उसको सजा कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए कि कभी वैसा खिलवाड़ नहीं दिया, ऐसा सजा दिया जाए कि दूसरा लड़का उसको देख कर ऐसा गरीब का लड़की से छेड़खानी कभी से पेट्रोल जला को नहीं मारे, पेट्रोल छिलका को नहीं, नहीं। हाँ और कुछ भी हो किसी को कोई रेप केस कर रहा है, कोई कर रहा है, जबरदस्ती लड़की साथ जो भी कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, सामने कर दे वो लड़का को, अभी चौराहे को में हम लोग भी पेट्रोल छिट को उसको एक सरा में जलाएंगे, पेट्रोल हम लोग को सामने करे प्रशासन वो लड़का को, हम लोग भी उसको पेट्रोल छिट के जलाएंगे, एक सरा में जलाएंगे। और नहीं तो सरकार को लेना चाहिए अपना कस्टडी में, कि सबको बोल रहे हैं हम, नया सरकार पुराना सरकार, एमपी को, विधायक को, सबको बोल रहे हैं कि बिल्कुल। ये देखिए, ये मारुति के परिजन है जो बता रहे हैं कि वो एकलौती लड़की थी और सिलाई का ट्रेनिंग ले रही थी ताकि उससे वो परिवार चला सके। इनकी माँ जो है देखिए बेसुद है, क्या बात करें, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या कब पता चला आप लोगों? जरंग तेल डर जर आलच वरंग जरा देगा हाँ। ने वो माथा घुर लल माथा घुर छे कब पता चल ले तारा? फोन कर ल एक बजे रात मारती कुछ बतल के था? हाँ बता ल मुझे चार दिन पहले हाँ चार दिन पहले धमती की दलवालो कर पेट्रोल दे के जरा है, पेट्रोल जरा के तरह है तो बल्लो रास्ता में आलो
और क्यों खाली मारती है बेटी छेदारा ना नहीं अबे को बचाव तो कुछ नहीं आपने रहने रही है वहां की मैं अपना घर में थी नानी घर में थी नानी घर में छे है हां नानी घर बालकी पति का करे मोटिया का मजदूरी हां मजदूरी ने पारो बात कर की चाहे छ तो हमें हमें पांच दिन ओकरा जाय पेट्रोल से जा रहे हैं बहुत चाहे छे हाँ एक शराम जा रहे अरे की चाहू हमारा बच्चा जे रंग गेलो और रंग कर दे किसी गरीब के लड़की से आज दिन से आज तारीख से नहीं होना चाहिए सरकार सजाई इसको दे देगा ना फांसी का तो सब लड़का सुधर जाएगा किसी लड़की साथ ऐसा ऐसा पेट्रोल जला को नहीं मरना चाहिए अच्छा कुछ कर को नहीं मरना चाहिए हाँ फांसी को सजाई हम लोग मांग किए और सरकार अभी सरकार को तो हम लोग क्या दोष देंगे सरकार तो योगर को किसी को दुनिया में नहीं बैठेगा अपना जगह में बैठल है हाँ सरकार का कोई दोष नहीं है सरकार ऐसा करता है कि सो जितना को भी सजा दे ताकि डर रहे अब को भी बीमार रहता है पूरे झारखंड का बात हम बोल रहे हैं हम लोग का और देखते रहे हैं कि हर व्यक्ति को हर बड़ा बड़ा बीमारी को जो कुछ भी बीमारी होके सबके मदद देता है जो सरकार है अभी झारखंड सरकार जो भी कृषि मंत्री यहाँ पे है वो लोग बोला जल्दी पहुँचाओ हम लोग इसको जैसी पहुँचाना हो पहुँचाएंगे सारे खर्चा कर को हम लोग हेलीकॉप्टर में भेज देंगे दिल्ली और दिल्ली जहाँ ले जाना होगा हम लोग बचाएंगे यहाँ उसको यहीं नहीं बच पाई जब हम लोग का रिम्स घुसते घुसते दम तोड़ दी तो वो लोग क्या कहे दोष है सरकार का कोई दोष नहीं सरकार तो बचाने चाह रहा सरकार झारखंड सरकार कृषि मंत्री यहाँ पे है विधायक है एमपी साहब भी भेजा मदद करके माने सबको मदद में लगा सारे आदमी लगा मन सरकार लगा कृषि मंत्री लगा एमपी लगा विधायक लगा सबको लगा बचाने के लिए बोला जहाँ भी ले जाना होगा अभी हेलीकॉप्टर में ही लोग को दिल्ली तक पहुँचाएंगे ये लोग सब सलाह मित्रा कर को मंगा रहा और सबको पहुँचा यहाँ पे अभी बचाने के लिए और सबको मदद किया अभी मदद किया ये लोग का कोई दोष नहीं सरकार अब क्या करेगा भैया सरकार योगर को नहीं बैठ रहेगा कि कौन लड़का क्या कर रहा कौन लड़की क्या कर रहा ये तो लड़का का दोष है कि गोसा से लड़का क्या गोसा से उसको जला दिया और जब ऐसा नहीं हो आज तारीख से कि किसी गरीब का लड़की आज तारीख से ऐसा हो प्रशासन यही करे सरकार यही करे सबको मिल करके हम तो बोल रहे हैं मोदी सरकार को भी बोल रहे हैं झारखंड सरकार की भी बोल रहे हैं विधायक को बोल रहे हैं एमपी को भी बोल रहे हैं मंत्री पूर्व मंत्री सबको हम बोल रहे हैं सबको सलाह मित्रा करके उसको फांसी का सजा ही चढ़ाए ताकि गरीब का लड़की दुनिया से बचे और ऐसा मदद में तो सरकार का दोष है नहीं सरकार क्या करेगा योगर को बैठने ही नहीं रहेगा कि लड़का ऐसे करेगा हाँ लड़का ऐसे ही निवेदन करे सरकार सदा अवारा रहे सदा भला रहे कि एक ही सजाई दे दे उसको हम लोग को सामने कर दे हम लोग ऐसी एक ही उसको भी जिंदा जलाएंगे वही लड़का को सामने कर दे नहीं तो वो लड़का को फांसी का सजाई मिलना चाहिए तब ताकि दुनिया में गरीब के लड़की बचे आज तारीख से ना वो लड़का को फांसी की सजाई नहीं मिलेगा तो दुनिया लड़की गरीब का साफ हो जाएगा ऐसी लड़का घर घुस घुस को जला देगा उसको भी घर में दुमका वाली लड़की को घर घुस को जला दिया माचिस फेंक दिया इसको भी घर घुस को माचिस फेंक दिया तो दुनिया में बचेगा कैसे गरीब का बच्ची हाँ गरीब बच्चा है किसी तरह से मोटिया खट को पढ़ा रहा बोरा ढो ढो को पढ़ा रहा ये लोग हाँ और कुछ नहीं है माँ बाप गरीब है कुछ नहीं कर पा रहा ना मामा मोटिया खट के नानी बूढ़ी नानी अपने साथ में रख करके पढ़ा रहा किसी तरह के इंटर करवाया लड़की सोची कि हम तो जाने दीजिए आगे चल के हमारा कुछ होगा नहीं होगा सिले सेंटर सीखेंगे किसी तरह का हम गरीबी दूर करेंगे माँ बाप का लड़का को बोला कि हमारे पीछे मत लागो हम किसी का पीछे हम नहीं लगते हम अपना बिजनेस कर को खाएंगे हम गरीब परिवार का आदमी है हमारे पीछे मत लागो हमारा
लड़का को बोला तो वही लड़का का क्या है कि उसी में धमकी, लड़का को बोला लड़की, लड़का दिया रात में घुस करके, क्या जानता है कि लड़की कि हमारा घर घुस को आग लगाएगा, घर घुस को आग लगाया। तो दुनिया में आज दिन से भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को हम निवेदन करते हैं आज दिन से ये शासन होना चाहिए, और नहीं तो गरीब पर गरीब लड़की, हाँ लड़की का ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टका पैसा वाला है अभी सब कुछ कर लेगा, गरीब परिवार कहाँ से करेगा, कुछ नहीं कर, वो गरीब का बेटी चला गया, ऐसी होगा, ऐसी नहीं होना चाहिए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in